अगली खबर में बात करते हैं टीकमगढ़ की, जहां खरगापुर विधानसभा के प्राथमिक शाला बडेरा का स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है। सरकार एक ओर तो शिक्षा पर जोर दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जन शिक्षा केंद्र बिलसी के अंतर्गत आने वाला बडेरा का प्राथमिक शाला स्कूल शिक्षकों की लापरवाही से सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर शिक्षक कभी कभार आते हैं, वह भी समय से पहले ही स्कूल बंद करके चले जाते हैं। अब आप सोचिए, जब शिक्षक ऐसी लापरवाही करते हैं तो यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य कैसा होगा और कैसे ये बच्चे पढ़ पाते होंगे। जब यहाँ के ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक अपनी मन मर्जी से स्कूल आते हैं और अपनी मन मर्जी के हिसाब से स्कूल बंद करके चले जाते हैं। जब ग्राम के सरपंच राजेंद्र प्रजापति से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने सभी अधिकारियों को सूचित करा दिया है और जल्द ही ऐसे शिक्षकों पर कार्यवाही होगी। क्या नाम है आपका? रतिराम लोधी। स्कूल बंद क्यों हो गया 1 बजे के पहले? वो तो डेली होता है बंद। क्यों क्यों होता है? 12 बजे आते हैं, 1 बजे 10 मिनट डाल के चले जाते हैं। शिक्षक कौन है? दुर्गा प्रसाद अहरवा और पुष्पेंद्र यादव। ये कहाँ से आते हैं? एक भेजी के हैं, एक विजय के हैं। फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 5वीं तक के, वो कैसे पढ़ाई कर पाते? वो तो डेली इतना ही फिरते रहते हैं सब। पढ़ाई नहीं होती? नहीं होती है। अच्छा, ये कितने दिनों से चला आ रहा है? जी, 1 माह से कम ऐसे चल रहा है। 1 माह से डेली नहीं आ रहा है सर? डेली ऐसी करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश सिंह लोधी। ये स्कूल बंद क्यों है? अब क्या बताएं, अब जैसे भविष्य खाता मचा है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। शिक्षक कौन है आप? शिक्षक दुर्गा प्रसाद अहरवाल, पुष्पेंद्र यादव, बेजरई। तो आपके बच्चों का भविष्य कैसा है फिर? अब आप खुद देख रहे हैं कि कैसा है, कि हाँ कोई जो फिर बच्चे बर्बाद। ये कब से ऐसा हो रहा है? ऐसे तो हो रहा है साहब कम से कम 2-3 साल से, लेकिन इस साल ज़्यादा बिल्कुल क्या हुआ। आप लोगों ने शिकायत नहीं की कहीं पे? शिकायत की संकुल केंद्र में की, प्राचार्य से कही, और कौन कहा विजय सांडल जी को है सी, उनसे बोला तो कोई कुछ नहीं बेकत के हमें कहा ना तुम तो उनका कार्रवाई का। उनके द्वारा बताया जाता है कि 1 महीना की 2 महीना हमें नहीं जाना है, 2-1-2 महीने की वेतन कट जाए, हम दोनों पढ़ ले, ऐसा बोला जाता है क्या? हाँ ऐसा बोला जाता है, कहते हैं कि 1,20,000 चले जाएंगे तो चले जाएंगे हम, उससे हम हमें क्या फर्क पड़ना। कौन बोलते हैं? ये पुष्पेंद्र ने कहा। आप गांव के सरपंच हैं जी, ये स्कूल प्राथमिक शाला बंद है और ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभार शिक्षक आते हैं और अगर आते हैं तो जल्द ही समय से पहले चले जाते हैं, क्या है? हाल हमको भी जानकारी मिली है तो हम तत्काल यहां पर आए स्कूल में। मैंने बीओ को भी फ़ोन लगाया, बीआरसी भी लगाया, पाराशर जी को भी मैंने बात की, तो बीओ साहब ने ये बताया, मैं तत्काल नोटिस देता हूँ। और जो यहाँ के CACS क्षेत्र के उनको मैंने अवगत कराया है कि आप एक कई ऐसी शिकायतें, यानी टीचर आते नहीं हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आप तो बिल्कुल आए नहीं हैं। कोई बता रहा है मेरे पिताजी ख़त्म हुआ, कोई कुछ हो गया, उसकी यदि एप्लीकेशन देना चाहिए, हमने ये बोला एप्लीकेशन दीजिए, दूसरे की ड्यूटी लगे, बगैर सूचना क्यों गए आप लोग? मैंने दोनों बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है, उसके बाद उचित कार्रवाई के लिए मुझे आश्वासन दिया है।